आज मैं बनाने जा रही हूँ तिल के लड्डू। इसके लिए हमें चाहिए 1 कटोरी तिल, 2 कटोरी गुड़, अदरक घिसा हुआ और पानी। अब हम कढ़ाई चढ़ा लेंगे गैस पे। अब इसमें तिल को डाल देंगे। सारे तिलों को डाल के हम भुनेंगे। इसमें खुशबू आने तक भुनना है। इसे लगातार चलाएंगे, ये जलना नहीं चाहिए, नहीं तो इसका टेस्ट खराब हो जाएगा। अब हम इसको अच्छे से भून लेंगे। इसको भूनने में 10 मिनट लगेगा। अभी हमारा तिल भुन के तैयार हो गया है। अब हम इसी कढ़ाई में पानी डाल देंगे थोड़ा सा। और ये गुड़ भी डालेंगे। अब हम इनको चला लेंगे। हम ये गुड़ वाली चाशनी बनानी है। अब इसमें अदरक भी डाल लेंगे। इसको भी चलाते हुए चाशनी तैयार करेंगे। आँच तेज कर लेंगे हम। अब ये देखिए पक रहा है ये गुड़। अब ये चेक करते रहना है कि ठीक से पका है या नहीं। अब इसको हाथ से चेक कर लेंगे। ये देखिए हाथ से ऐसे चेक कर लेंगे। इसमें तार आ रही है ना, चिपक तार आ रहा है, चिपक 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 रहा है हाथों में तार। ये देखिए अब एक तार आ रहा है हाथों में। अभी तैयार हो गया हमारा चाशनी। अब हम इसको मिला लेंगे तिल में। ये सारा मिला लेंगे गुड़। इसको चमचे से मिला लेंगे, चम्मच से। इसको जल्दी जल्दी मिलाना है। अब इसको बस हल्का सा ठंडा होने देना है। इसको ज़्यादा देर नहीं छोड़ना है। ये हमने अब हाथों में हम हल्का सा पानी लगाएंगे, चेक कर लेंगे ये लड्डू बन रहा है कि नहीं।
ये देखिए, अब हम इसको और मिला लेंगे थोड़ा। ये देखिए हमारा लड्डू तैयार हो रहा है। हाथों में हल्का सा पानी लगाएंगे और ऐसे ही सारे लड्डू को तैयार कर लेंगे। इसको हल्का हल्का दबाते हुए ऐसे ही सारे लड्डू को हम तैयार कर लेंगे। ये देखिए हमने सारा लड्डू तैयार कर लिया। ये देखिए